नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल पर। तो अपना टूर चल रहा है गंगानगर ज़िले के सुरतगढ़ तहसील का, और हम आए हैं यहाँ पर बने हुए एक दुर्ग में जिसका नाम है सोडल दुर्ग। ये है सुरतगढ़ तहसील के अंदर ये दुर्ग है, और अभी तो बिल्कुल खंडहर हो चुका है। तो आज हम इसका आपको दिखाएंगे ये दुर्ग। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये है इस दुर्ग का एंट्रांस जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ अभी। तो ये एंट्रांस अब बिल्कुल टूट गया है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी। बिना कोई देखभाल होने के कारण ये बिल्कुल टूट गया है, आप देख सकते हो। यहाँ पर एक अंकल आंटी बैठे हुए हैं, धूप सेक रहे हैं वैसे। तो अब अपने आगे देखेंगे। यहाँ पर ये है एंट्रांस इसका, अब तो बहुत पुराना हो चुका है। ये इसका एक गेट बचा है, एक गेट इसका उखाड़ ले गए हैं लोग, और आप देख सकते हैं ऊपर। बहुत पुराना तो बहुत है ये, लगभग ये है 17th century का, आप देख सकते हो। ये वैसे दुर्ग का आगे का एंट्रांस ही बचा है सिर्फ, बाकी दुर्ग तो थोड़ा आगे है। दुर्ग ये है इसका एंट्रांस, बस एंट्रांस बचा है, बाकी आप देख सकते हो यहाँ पर ये पशु बैठे हैं वो पीछे है, वो इतना दुर्ग बचा है। और ये गाड़ी हमने यहाँ पे पार्क की है, और वो जा रहे हैं मम्मी कोमल और भैया भाभी। तो थोड़ी सी इस दुर्ग के बारे में आपको बता देता हूँ। जब यहाँ पर भाटियों का शासन था ना, जब भाटियों का शासन था, हनुमानगढ़ को जीता था, मंगलवार के दिन जीता था, तो उस समय ये वहाँ के ही शासक थे, सूरत सिंह एक शासक था जिन्होंने ये सूरतगढ़ को जीता था, और इसका नाम उस सूरत सिंह के नाम पे सूरतगढ़ पड़ा था। और ये इस दुर्ग का निर्माण कराया था जिसका नाम था सोडल दुर्ग, जो मैं आज आपको इसकी सैर कराने जा रहा हूँ। वैसे कोई इसकी ज़्यादा कोई देखभाल नहीं है, बिल्कुल टूट गया ये, और यहाँ पर कितना बस कब्ज़ा जैसे हो रखा है। कब्ज़ा करने की वजह के कारण लोग यहाँ पर कोई देखभाल नहीं कर रहे हैं, और असामाजिक तत्वों द्वारा बहुत ज़्यादा नुकसान कर दिया इस दुर्ग का। वैसे ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये विरासत है हमारी, इसके संरक्षण करना हमारी जिम्मेवारी बनती है, पर यहाँ पर वो जिम्मेवारी किसी ने दिखाई नहीं है। वैसे न तो प्रशासन ने दिखाई है और न ही लोगों ने दिखाई है। बस एक ये है पुरानी चीज़ है, और यहाँ पर बस फ़ोटो खींच के ले जाओ। भैया भाभी फ़ोटो खींच रहे हैं। अब मैं आपको अंदर का शेयर करा रहा हूँ, थोड़ी ले चलता हूँ। भाभी देख रही है दुर्ग को, फ़ोटो खींच ले रहे हैं। चलो अंदर चलते हैं, अपने अंदर देखते हैं क्या कुछ है इसके अंदर। कहते हैं इसके अंदर एक बुलबुलिया बनी हुई है। और अंदर बुलबुलिया यही है, आप कभी आओ तो ये बस इतनी की है, ये बुलबुलिया बची हुई है बस इतनी है कि यहाँ पर ये सीढ़ियाँ का पता नहीं चलता कहाँ से चढ़ा जाता है कहाँ से उतरा जाता है, बस ये इतना कि ये बुलबुलिया है। जैसे लखनऊ वगैरह में है बुलबुलिया बनी हुई, ये है यहाँ पे कमरे वगैरह भी है ऐसे, तो ये देख सकते हो आप। और यहाँ पे असामाजिक तत्वों द्वारा खराब कर रखा है इस दुर्ग को बहुत ज़्यादा, आप देख सकते हो। इसके अंदर चारा वगैरह डाल रखा है पशुओं के लिए, और वैसे अगर संरक्षण हो तो इसका ये अभी तक सही हालात में अंदर से तो वैसे पड़ा है, आप देख सकते हो। इसके अंदर तूड़ी भर रखी है, तूड़ी भूसा भर रखा है चारा। और मैं आपको ये है ऊपर का इसका, जैसे गुमटी वगैरह अंदर बनी हुई है, भाई नीचे है फोटो ले रहे हैं। तो बस है तो ये बुलबुलिया, अब हम ऊपर चढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा। अब ये देखो यहाँ पे कुछ और आ गया, समझ में नहीं आएगा, फिर भी देखते हैं, नहीं निकले तो बाहर कूदना पड़ेगा। थोड़ा ऊपर और चलते हैं अपने टॉप पे। ये एक बुरी बात है कि इन चीज़ों का संरक्षण नहीं हो रहा, और संरक्षण करने में पहले अगर प्रशासन करे तो अच्छी बात है,
पर नहीं हो रहा, क्या करें। अंदर से वैसे है तो शानदार दुर्ग है, ये देख ऊपर का। बस एक फ़ोटो ले जा रहे हैं लोग कैमरे में कैद करके, फिर इसकी कोई सार संभाल करने वाला नहीं है। भाई भाभी मम्मी और कोमल नीचे खड़े हैं, आप देख सकते हो। और ये है पुराना सूरतगढ़ जो आप, ये पुराना सूरतगढ़ है जो आप देख रहे हो अभी। यहाँ पे गणेश मंदिर बना हुआ है, प्रसिद्ध गणेश मंदिर बना हुआ है। और ये उस समय का 17th century का ये गढ़ है सोडल दुर्ग, जो आप अभी देख रहे हो महाराजा सूरत सिंह का। बस एक बुरी बात ये है कि इसका बिल्कुल ये दिनों दिन टूट रहा है, और आने वाले समय में मेरे को ये लगता है कि किताबों में भी नाम रह जाएगा सोडल दुर्ग का, क्योंकि संरक्षण नहीं है इसका, बिल्कुल भी संरक्षण नहीं है। ये असामाजिक तत्वों की एक शरण स्थली बन गई है, नशा पत्ता यहाँ पे चलता है। तो सूरतगढ़ की इस कवरेज में आपने जो देखा, अगर आपको पसंद लगा है और तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे तो लोगों तक ये बातें पहुँचेगी, देखेंगे कि एक सूरतगढ़ में भी ऐसा एक दुर्ग है जो लोगों से अनदेखा अनछुआ है। तो क्या पता इसकी प्रशासन तक ये बात पहुंचे, तो इसकी कुछ सार संभालो और ये पर्यटन की दृष्टि से ये कुछ काम में आ जाए, क्योंकि विरासत बचाना हमारी जिम्मेवारी है। जो पूर्वज हमारे छोड़ के गए हैं पीछे, जो ये विरासतें छोड़ के गए हैं पूर्वज हमारे, उनका संरक्षण करना हमारी जिम्मेवारी बनती है, अपना अपना फर्ज है ये। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा सोडल दुर्ग का। अगर आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी एक ऐसी नई जगह पर, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।